गुवाहाटी के दिसपुर जैन मंदिर और आठ गांव के चैत्यालय के दर्शन करने के बाद वहां जिंदगी की टीम पहुंची पांडू में। अब हम दर्शन कराने जा रहे हैं पांडू दिगंबर जैन मंदिर के, तो चलिए दर्शन करते हैं पांडू दिगंबर जैन मंदिर के। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। में इस जगह एक छोटे से चैत्यालय की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे इस मंदिर से लोग जुड़ते चले गए और चैत्यालय काफी छोटा पड़ने लगा। साल 2002 में वर्तमान मंदिर का शिलान्यास हुआ और तत्पश्चात साल 2007 में भव्य पंच कल्याणक के साथ नव निर्मित इस मंदिर की स्थापना हुई। मैं आज इस मंदिर में आई, बहुत ही शांति की अनुभूति हुई। आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। देखिए, इस क्षेत्र में 1962 में एक चैत्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैन परिवार यहाँ बढ़ते गए, 1995 में एक क्षेत्र के लोगों ने एक सभा की और एक मंदिर निर्माण समिति का गठन कर मंदिर की योजना हाथ में ली। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय बिमल जी काला थे। उसके बाद 2002 में 8 फरवरी के दिन मंदिर का शिलान्यास हुआ श्री बिमल जी सोरैया के करकमलों से, और 5 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूरा हुआ। 22 फरवरी से 2 मार्च के बीच गुवाहाटी में अत्यंत ही धूमधाम से पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ, और अभी यहाँ लगभग इस क्षेत्र यहाँ पर लगभग 40-45 के लगभग परिवार हैं जो यहाँ पांडू मालेगांव क्षेत्र में रहते हैं, जो सीधे रूप से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। लगभग 150-200 की आबादी होगी। इसके अलावा बाहर के अंचल से भी, और विजयनगर, खासकर विजयनगर से और गुवाहाटी शांतिपुर भरोलीमुख फैंसी बाजार से भी काफ़ी संख्या में लोग रोज यहाँ आते हैं और अत्यंत ही भक्तिभावपूर्वक यहाँ पर दैनिक कार्यवाही संपन्न होती है। आप इस मंदिर का विशेषता बताइए। इस मंदिर में देखिए पूरे सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है जो सात्विक का प्रतीक है। कहीं भी इस मंदिर में कोई खंभे या पिलर वगैरह इस मंदिर में नहीं है, और इस मंदिर में कहीं भी कोई रकम की तस्वीर किसी की फोटो वगैरह पूरी वर्जित है, जो अपने आप में एक अनुकरणीय है। इस मंदिर में मूल प्रतिमाएं कौन सी हैं और कितने भगवान विराजमान हैं? यहाँ मूल प्रतिमा श्री शांतिनाथ भगवान की है और यहाँ कुल 7 प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर में स्थापित शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को चमत्कारिक प्रतिमा माना जाता है, जिनके दर्शन करने से ही लोगों के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आपका इस मंदिर में इतना झुकाव क्यों है? देखिए, ये शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है ये काफ़ी चमत्कारिक प्रतिमा है। यहाँ पंचकल्याण के समय जब पंचकल्याण हुआ था तो ये प्रतिमा इतनी भारी हो गई थी कि वो यहाँ से हिली भी नहीं थी, पर अपने उनका हाथ लग के अपने से प्रतिमा ये हो गई और काफ़ी चमत्कारिक। और आज मैं जो भी हूँ, आज मेरे को लगता है कि मैं रोज़ देव दर्शन करता हूँ, रोज़ यहाँ पर आता हूँ, तो उसी की देन है। और मैं आज वहाँ जिंदगी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आज हमारे यहां पांडू क्षेत्र में आए और हमारे इसकी विशेष मंदिर के विशेषता के बारे में जानकारी लिया हूं। मंदिर के ऊपर एक विशाल शिखर भी निर्मित है जिसमें कई प्रतिमाएं विराजित है, और शिखर का रंग भी शांति का प्रतीक सफेद ही है। आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से जुड़ी हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं? हम लोगों ने समाज का महिला मंडल खोल के रखा है, उसके थ्रू हम लोग जो भी दान वगैरह करना होता है स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए और के लिए दान वगैरह हम लोग करते रहते हैं। इस मंदिर में हम रोज़ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सभी यहाँ पूजा पाठ बहुत धूमधाम से करते हैं और मतलब नित्य नियम पूजा यहाँ बहुत अच्छे से होती है। कलश भी, कलशाभिषेक होता है, वो भी बहुत अच्छे से होता है यहाँ। यहाँ जैसे शाम को भी सब आते हैं, आरती करते हैं, यहाँ पर बहुत भक्तिभाव से आरती होती है। अगर आपने अभी तक शांतिनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही पांडू आइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।